जी तो सारी बातें कर ली। सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या? बालों की खुश्की। हाय और जब कपड़ों में झाड़ भी आया था आपको, याद है शैम्पू का? मुझे लड़की वाले देखते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, खुश्की सारी आ गई। इतना मशहूर इश्तेहार था। तो ये तो है, दुल्हन को तो फिर शादी के बाद भी उस स्ट्रेस में से वैसी खुश्की गिर रही। चलो दुल्हन को तो होती है, लेकिन जो सारे घर वाले हैं, जो लड़कियां खासकर तैयार होती हैं, डार्क कलर के कपड़े बना रही हैं, अब वो स्टाइलिंग भी कर रही हैं और डैंड्रफ अगर गिर रही है तो सर में ही हाथ है मुझसे। हाँ, तो पूरी शादी में मूवी में सर में हाथ है, क्यों खुश्की है यार? खारिश हो रही होती है। तो बड़ा आसान है कि जैसे आप वॉश करेंगे उस दिन तो बिल्कुल खुश्की गायब होगी, और अगर करते रहेंगे तो खुश्की दोबारा होगी ही नहीं। जैसे अगर आप शादी है या मेहंदी आपने कर लिया, बाल तो वॉश होते हैं, शैम्पू करना होता है, जब आप करेंगे तो आपके सर की जितनी खुश्की होगी खत्म हो चुकी होगी, कम से कम एक से दो दिन दोबारा नहीं बनती है। तो वो आप रेगुलर तो करते रहेंगे, लेकिन शादी के लिए खास करके दो इंस्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, इसमें करना क्या, हमने दही ले ली है, दही एक चाय की प्याली, हाफ प्याली, बालों के हिसाब से देख लें। एक्चुअली लगता है ये स्कैल्प में, पूरे बालों में नहीं लगेगा, तो आधी प्याली दही बहुत होता है। हमने पीली सरसों ली है और मेथी दाना, अच्छा, इन दोनों का पाउडर बना लिया है। इन दोनों का पाउडर जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालेंगे बिल्कुल, और इसमें जो लेमन जूस है ये डालेंगे तकरीबन 1 लेमन। सही। एक लीमू का रस डालेंगे, ठीक है, ये इसमें हमने डाल दिया। इसको तकरीबन थोड़ी देर भिगो के हमने पहले रख देना है ताकि मेथी दाना जो है ये फूल जाए। सरसों भी फूलेगी और मेथी दाना खासकर फूल जाता है, तो लगाना फिर आसान होगा। अगर आप फौरन लगाएंगे तो वो फिर झड़ने लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसको करना क्या है कि जिसको जिसके भी सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, आपने ये पूरे बालों में अगर किसी के तो मैं लगा के दिखाऊं कि सिर्फ 1 घंटा लगाना है, और जब आप वॉश करेंगे तो चाहे वो ड्राई डैंड्रफ हो चाहे वेट डैंड्रफ होती है, जो जमी हुई होती है, फ्लेक्स होते हैं, वो सारी निकल जाती है। इसको आपने लगा के वॉश करना है, और उसके बाद आप वॉश कर लेंगे 1 घंटे के बाद, और बिल्कुल बालों की जो जड़ों में जरा सा आप या तो लेवेंडर ऑयल ले लें या टी ट्री ऑयल ले लें या जैतून का तेल, सिर्फ आपने हाथों को चिकना करना है और सिर्फ जड़ों के अंदर लगा लेना। चिकनाहट नहीं होगी तो वो दोबारा खुश्की जो है 8 से 10 घंटे के लिए दोबारा बनेगी नहीं। तो इस तरह से आपने लगाना, अगर किसी की खुश्की हम लगा के दिखाते, पूरी पार्टिंग करनी है और उसके बाद ये लगा के और हल्के हल्के हाथ से इसका मसाज करते रहना, ताकि अगर जमी हुई डैंड्रफ जो होती है वो उससे उतरना शुरू हो जाती है, और वो 1 घंटे के बाद जितनी डैंड्रफ है सारा खींच लेगा और देन इसको वॉश कर देगा। बेस्ट बेस्ट हो गया भाई, ये जरूर इस्तेमाल करें और इंस्टेंट रिजल्ट हासिल करें।